तो हेलो डैपर्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शू रूल्स की, जो तुम्हारे फैशन लेवल को बहुत आगे ले जाएगी। इस वीडियो में मैंने काफी इंपॉर्टेंट टिप्स बताई है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सबसे पहली टिप पे, जो कि है कीप योर शूज क्लीन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि जो भी तुम शूज पहनते हो वो एकदम क्लीन होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम गंदे शूज़ पहनोगे तो वो तुम्हारे पूरे आउटफिट का गेम बिगाड़ देंगे। अगर तुम स्नीकर्स पहनते हो तो उनको प्रॉपर क्लीन रखा करो, स्पेशली अगर तुम्हारे पास वाइट स्नीकर्स हैं, तो वाइट स्नीकर्स काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, तो ट्राई करो उनको हर मंथ अच्छे से तुम क्लीन करो, या फिर वो अगर वॉशेबल हैं तो तुम उन्हें गीला करके अच्छे से ब्रश करके साफ कर सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है कि अगर तुम्हारे पास ड्रेस शूज़ या फॉर्मल शूज़ हैं तो उनको टाइम टू टाइम पॉलिश रखा करो। अब चलते हैं अपनी दूसरी टिप पे, जो कि है मैच योर शूज़ विथ योर एक्सेसरीज। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है, जो भी तुम शूज़ पहनते हो उनको अपनी एक्सेसरीज से मैच करके पहना करो। स्पेशली अगर तुम फॉर्मल शूज़ पहन रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ब्राउन शूज़ पहन रहे हो तो तुम्हारी जो वॉच की स्ट्रैप होनी चाहिए वो भी ब्राउन होनी चाहिए, और जो बेल्ट पहन रहे हो तुम वो भी ब्राउन कलर की होनी चाहिए। सेम चीज़ विद ब्लैक। अब इस पॉइंट से तुमको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि जो भी तुमने एक्सेसरीज पहनी है और जो भी तुम शूज़ पहन रहे हो वो तुम्हारे आउटफिट में हाईलाइट होंगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि है वियर राइट शूज़ ऑन राइट ओकेजन। अब ये गलती तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करनी है कि जब भी तुम वेडिंग या फिर कोई ऐसे ओकेजन पे जा रहे हो तो वहाँ पे स्पोर्ट शूज़ या फिर स्नीकर शूज़ बिल्कुल मत पहन के जाना, क्योंकि वो बहुत ही बुरा इंप्रेशन देगी। तुम्हें सही ओकेजन के हिसाब से सही शूज़ पहन के जाने चाहिए। अब नेक्स्ट तीन टिप बताने से पहले, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी और मैं फैशन रिलेटेड वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहूं। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि है मैच योर शूज़ विथ योर सॉक्स। अब ये गलती भी काफ़ी लोग करते हैं कि वो अगर कोई शूज़ पहन रहे हैं तो उस पर बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट या फिर कलरफुल सॉक्स पहन लेते हैं। ये गलती तुमको बिल्कुल अवॉइड करनी है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, जो तुम सॉक्स पहनते हो तो वो तुम्हारी या तो शूज़ से मैच होता हुआ पहनना चाहिए तुमको, या फिर मोस्टली अगर तुम्हें बहुत ही अच्छा लगना है या फिर स्टाइलिश लगना है तो तुम जो सॉक्स पहन रहे हो वो अपनी ट्राउज़र के मैचिंग के हिसाब से पहन सकते हो। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि है इन्वेस्ट इन क्वालिटी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी तुम शूज़ लेते हो तो तुम ये गलती कभी मत करना कि तुम्हें अगर कोई शूज़ सस्ता मिल रहा है तो तुम उसको ले रहे हो। वो कोई फ़ायदा ही नहीं देगा अगर वो तुम्हारे 3 से 4 महीने ही चले। तुम ट्राई करो अच्छी क्वालिटी के लो, जो कि काफ़ी टाइम तक चले। अब शूज़ एक ऐसी चीज़ है तुम्हारे वार्डरोब में जो कि सबसे महंगी होती है, और लोगों का जो सबसे पहला ध्यान जाता है वो तुम्हारे शूज़ पे ही जाता है। तो ट्राई करो अच्छी क्वालिटी के शूज़ लो, जो कि काफ़ी टाइम तक चले। अब जो लास्ट टिप आती है वो है फोल्ड योर बॉटम वियर प्रॉपरली। अब कुछ लोग हैं जो ये गलती बहुत करते हैं, वो शूज़ तो अच्छे ले लेते हैं लेकिन जब भी वो बॉटम वियर पहनते हैं तो वो बैगी या फिर रेगुलर फिट जब भी पहनते हैं तो वो पूरे उनके शूज़ को ढक देती है, मतलब बिल्कुल छुपा देती है उनको। तो तुमको ये गलती कभी नहीं करनी, तुमको जो बॉटम वियर पहनते हो तुम वो प्रॉपर लेंथ की होनी चाहिए, ताकि वो तुम्हारे शूज़ को कवर नहीं करे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे लुक को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगी वो। तुम शूज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट उनको दिखाओ अच्छे से। तो ये थी वो सारी शूज़ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि तुमको ध्यान रखनी चाहिए। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मेरे को ये ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।